70 साल का उत्तर प्रदेश। जी हां, आज का दिन है बेहद खास उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश का आज है स्थापना दिवस। स्थापना दिवस पर आज पूरे प्रदेश में योगी सरकार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। यूपी दिवस के लिए सरकार ने खास तैयारी की है। यूपी दिवस समारोह के तहत नुक्कड़ नाटक होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, विचार गोष्ठी जैसे कार्यक्रम भी आज आयोजित किए जाएंगे। इस बार हर जिले में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में यूपी दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 25 जनवरी यानी कल सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले यूपी दिवस समारोह में राजधानी लखनऊ को 5 नई सौगात मिल सकती है, जिसमें हुसैनाबाद के म्यूजिकल फाउंटेन संग वाटर स्क्रीन का लोकार्पण प्रस्तावित है। इसके साथ ही 3 झीलों के पुनर्विकास और राष्ट्र प्रेरणा स्थल का शिलान्यास भी हो सकता है। 70 साल का उत्तर प्रदेश, इससे जुड़ी अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरे राज्य में 3 दिनों तक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। नुक्कड़ नाटक होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 25 जनवरी को नोएडा में यूपी दिवस कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। नोएडा हाट में विशेष आयोजन किया जाएगा। जिलों में डीएम समेत अन्य अधिकारी शामिल होंगे। तो वहीं हुसैनाबाद में म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण हो सकता है। 3 झीलों का पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास हो सकता है। ये वो सौगातें हैं जो लखनऊ को मिल सकती है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का शिलान्यास भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी मीडिया संवाददाता संकल्प दुबे जुड़ गए हमारे साथ। संकल्प, यूपी दिवस को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां की गई हैं, जगह जगह आयोजन भी होंगे, कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए, 11 बजे से जब कार्यक्रम शुरू होगा उसके बाद आगे क्या रूपरेखा रहेगी, आज क्या क्या तस्वीरें जनता को देखने को मिलेंगी? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल यहां पे पहुंचेंगे और औपचारिक तौर पे इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें कि सबसे अहम बातें ये देखी जा रही है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य चल शुरू होने वाला है और उसके लिए सारी प्रोसेसिंग चल रही है, तो सबसे खासा आकर्षण का केंद्र रहेगा राम मंदिर का मॉडल का यहाँ पे जो प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि मुख्यमंत्री सौगात देंगे लोन ऐप की, और इसके साथ ही कई कलाकारों के प्रेजेंटेशंस भी यहाँ पे रखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार के जो थीम है वो जो है राम मंदिर के मॉडल को लेकर के बहुत खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही कई अन्य सांस्कृतिक ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें कि अगर बात करी जाए तो उद्यमी ऐप लॉन्चिंग और लोन मेला है, उत्तर प्रदेश गीत का लोकार्पण होगा। ये सबसे अहम चीज़ है आज, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो एक थीम सॉन्ग बनाया गया है उसका आज लोकार्पण किया जाएगा, उसको आज लॉन्च किया जाएगा, और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको लॉन्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था अब तक यूपी दिवस को लेकर के, तो आज जो है यूपी दिवस की शुरुआत होगी, खासा उत्साह का माहौल है, क्योंकि किस तरीके से कल हमने देखा था हुनर हाट, जब हुनर हाट का उद्घाटन हुआ था उसके बाद में राजधानी समेत अन्य जिलों के लोग वहां पे पहुंचे हुए थे, और कहीं ना कहीं लोगों को अब जो है कोरोना काल के बाद में अब बाहर जब निकल रहे हैं और ऐसी जो आयोजन हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों के मन में साफ ये देखा जा सकता है कि किस तरीके का उत्साह है। और क्योंकि अब यूपी दिवस की बात की जा रही है और यूपी के लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे ये माना जा रहा है, और सबसे आकर्षण का केंद्र इस बार बताया जा रहा है, जो चाहे वो लोक गीतों पे परफॉर्मेंसेज हो, सांस्कृतिक परफॉर्मेंस हो, या फिर कहा जाए कि जो लोगों के जो थीम जो वोकल फॉर लोकल का है और हुनर हाट का जो इस बार का थीम है उसको देखते हुए एक खासा आकर्षण का केंद्र है, और ये माना जा रहा है भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, जिसकी शुरुआत आज औपचारिक तरीके से गवर्नर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में की जाएगी। ठीक है संकल्प।